हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5th इलेक्ट्रिक करंट आरबीएसई क्लास 12th फिजिक्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्क्राइब करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है यह है इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो होने पर अगर टाइम भी हम कंसीडर करते हैं चार्ज फ्लो के साथ, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। यानी हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर या थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो वी कैन से इफ डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन एवरेज करंट आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये यहां से आपके पास डिफाइन हो रहा है। इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस करंट, देन I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एंड व्हेन वी पुट दिस लिमिट देन वी गेट डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, वैल्यू ऑफ करंट एट एन इंस्टेंट थ्रू अ कंडक्टर, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो ऑलवेज कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। ये एक डेफिनेट बात है। अगर आपके पास सपोज करो कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है, इफ क्यू चार्ज फ्लो इन टाइम इंटरवल टी थ्रू अ कंडक्टर देन आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला फॉर करंट। एंड फ्रॉम इट वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग
इन टाइम इंटरवल टी या इन टाइम टी देन क्यू इक्वल्स टू एन ई सो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी दैट इज इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई अपॉन टी। सिमिलरली एक बात यहां पर यूं भी आती है कि सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला है बेटा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेट करने में यूज आएंगे। हम आपसे अभी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसमें, तो उसमें आपको एक एक फॉर्मूले का यूज हम बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास ये बात आती है कि सपोज करो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। इफ अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस इन एन एटम इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर देन I equal to E upon T, where T equal to T is time period, T is time period and E is charge of electron। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन revolve करता है न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में, तो उसके लिए हम टाइम पीरियड T लेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई लेंगे और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन टी। सिंस टी इक्वल टू टू पाई आर अपॉन वी ऑल्सो, वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है ऑर्बिट की, तो T इक्वल टू टू पाई आर अपॉन वी देन I इक्वल टू E अपॉन टू पाई आर अपॉन वी मीन्स ई वी अपॉन टू पाई आर दैट इज ई वी अपॉन टू पाई आर I इक्वल टू। ये कब है, जब आपको वेलोसिटी या स्पीड दे रखी हो इलेक्ट्रॉन की और रेडियस दे रखी हो। बट इफ ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड of electron then T equal to 2 pi upon omega also, thus I equal to E upon 2 pi upon omega implies that I equal to E omega upon 2 pi, that is next formula in the form of angular frequency means radian per second में अगर आपको दिया हुआ है round के लिए RPM दे रखा है, round per minute दे रखा है, तो उसको पहले radian per second में convert करके आप I की value इस तरीके से calculate कर सकते हैं। यहाँ पर V velocity है, EV upon 2 pi R, ये आपके पास यहाँ
इससे 2 पाई आर अपॉन वी से कैलकुलेट करने पर आया है, और ये ओमेगा। और अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो आप डायरेक्ट ही 1 अपॉन टी की जगह एफ यूज कर लेंगे। और उस कंडीशन में यहां पर अगर आप बात करें तो उस कंडीशन में आई इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। ये एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड है। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के डिफरेंट फॉर्मूलाज हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो है एम्पियर। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसकी डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन डज नॉट ओबे वेक्टर रूल्स, क्योंकि इसका जो एडिशन है और जो इसका मल्टीप्लीकेशन है वो वेक्टर रूल्स का ओबे नहीं करता है। इसलिए हम यहां पर कहते हैं कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? जैसे आप देखिए, सपोज करो कि यह आपके पास डिफरेंट ब्रांचेज है, यहां पर सपोज करो कि यहां से इसमें 5 एम्पियर करंट आ रही है, यहां से इधर ये 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, यहां से ये 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो इस जंक्शन पॉइंट पर आने के बाद अगर वेक्टर रूल का ओबे होता, इफ इट ओबे वेक्टर रूल, देन 5 एम्पियर एंड 5 एम्पियर कैंसिल आउट टू ईच अदर एंड ओनली 3 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच। बट इट इज नॉट, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होती है वो करंट, टोटल करंट फ्लो होती है 5 + 5 + 3 मीन्स 13 एम्पियर। तो ये इस तरीके से वेक्टर रूल्स का ओबे नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अगर ये वेक्टर रूल का ओबे करती तो यहां पर 3 एम्पियर आती, बट वेक्टर रूल का ओबे नहीं कर रही है, इसलिए 5 + 5 + 3 = 13 एम्पियर करंट इस ब्रांच के अंदर होगी। ये आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। उसके अलावा बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 11th क्लास में भी हमने ये रीड किया था, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एंड अकॉर्डिंग टू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वी कैन राइट 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इफ
1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करेंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से डेफिनेट क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट फ्लो कितना होगा 1 एम्पियर होगा। ये आपके पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करते हैं वो मेटल्स में कौन करते हैं, कंडक्टर या मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए जो कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स और कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जैसे किसी साल्ट के सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, साल्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो आयन्स के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर में NaCl मिक्सअप कर दिया तो वाटर में NaCl मिक्सअप करने के बाद उसके अंदर Na प्लस सोडियम आयन एंड Cl माइनस क्लोराइड आयन बनते हैं। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये सोडियम आयन कैथोड की तरफ जाएगा और क्लोराइड आयन एनोड की तरफ जाएगा और ये करंट का फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो होती है वो आयन्स के थ्रू होती है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो टेट्रावेलेंट होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण होती है। जैसे ये सेमीकंडक्टर है, ये जर्मेनियम, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम के, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अनादर नियरेस्ट 4 एटम्स के साथ, ये 4 एटम्स के साथ यहां ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस तरीके की क्रिस्टल, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है या बॉन्डिंग है ये पूरे क्रिस्टल के अंदर रिपीट होती है। तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, बट रूम टेम्परेचर पर या थोड़े से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है क्रिस्टल के अंदर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये अपने पीछे एक ब्लैंक प्लेस छोड़ जाता है, उसको हम कहते हैं होल। तो क्रिस्टल के अंदर ये होल और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये होल और इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये करंट कैरियर्स है, सेमीकंडक्टर्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स और कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन्स, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट the number of electrons passing through a cross section of conductor if 1 ampere current flows in 1 second। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, पूछ लेता है कि अगर 1 ampere करंट 1 सेकंड तक फ्लो करे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे। तो इसका सॉल्यूशन है बेटा, सिंस I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, जो हमने आपको भी वहां पर डिस्क्राइब किया था। नाउ एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई एंड दैट इज 1 × 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर n इज इक्वल टू 10⁻¹⁹ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा अपॉन 1.6
it can be written as 10 into 10 to power 18 upon 1.6. 10 में 1.6 का डिवीजन देंगे तो आपके पास 6.25 into 10 to power 18, ये आपके पास आंसर होगा कि 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड तक फ्लो कर रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 into 10 to power 18 फ्लो करेंगे। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर मिली एम्पियर आ जाए तो 1 into 10 to power minus 3 कर देंगे, माइक्रो एम्पियर आ जाए तो 1 into 10 to power minus 6 कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेट हो जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज q इक्वल्स टू 4t³ प्लस 2t² प्लस t प्लस 6 कूलम, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट पूछी जा रही है आपसे, नाम से ही पता चल रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस करंट। अभी अभी आपने देखा था i इज इक्वल टू dq/dt, ये dq/dt, तो d/dt q की वैल्यू 4t³ प्लस 2t² प्लस t प्लस 6। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले 4 आउट में आ जाएगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t 3-1 प्लस 2 ये आगे आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t 2-1। कॉन्स्टेंट जो होता है वो हम अलग से निकाल लेते हैं, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 और 6 का 0, तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया 12t² प्लस 4t प्लस 1 एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आई इज इक्वल टू 12 × 2² प्लस 4 × 2 प्लस 1, तो दैट विल बी 12 × 4 = 48 प्लस 4 × 2 = 8 दैट इज 48 प्लस 8 प्लस 1 That will be 57 एम्पियर। इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। That's all for today. Thanks.